मैं जेल में बंद था, अस्पताल में बंद था। मैं जेल में बंद था, अस्पताल में बंद था। तो रोज सवेरे 4, 4:30 बजे के करीब मेरी आंख अचानक खुल जाती थी। उसका कारण यह था कि दूर से कहीं रोने की आवाज आती थी। अस्पताल में भर्ती कुछ मरीज जो जिनकी मृत्यु हो जाती थी, उनके घर वाले उनका शव लेने के लिए आते थे सवेरे। वह मॉर्चरी बनी थी और उस समय एक रोने का स्वर सुनाई देता था। वो रुदन मेरे हृदय को छू गया। मैंने एक छोटी सी कविता लिखी, शायद आपको पसंद आए। तन पर पहरा, दूर कहीं कोई रोता है। दूर कहीं कोई रोता है, तन पर पहरा, भटक रहा मन साथी है केवल सूनापन। बिछुड़ गया क्या स्वजन किसी का, क्रंदन सदा करुण होता है। दूर कहीं कोई रोता है, तन पर पहरा, भटक रहा मन साथी है केवल सूनापन। बिछुड़ गया क्या स्वजन किसी का, क्रंदन सदा करुण होता है। दूर कहीं कोई, जन्म दिवस पर हम इठलाते, जन्म दिवस पर हम इठलाते, क्यों न मरण त्योहार मनाते। अंतिम यात्रा के अवसर पर आंसू का शगुन होता है। दूर कहीं कोई रोता है, अंतर रोए आंख न रोए। हृदय रो सकता है आंख नहीं, अंतर रोए आंख न रोए। धुल जाएंगे स्वप्न सजोए, छलना भरे विश्व में केवल सपना ही तो सच होता है। दूर कहीं कोई रोता है, अंतिम है इस जीवन से मृत्यु भली है। देखिए, वो नजरबंदी की अवस्था थी, लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया था। तब मैंने लिखा था, इस जीवन से मृत्यु भली है, आतंकित जब गली गली है। मैं भी रोता पास जब कोई कहीं नहीं होता है, दूर कहीं कोई रोता है।